अब मैं ग्वालियर जिले के भीतरवार जनपद के ग्राम पंचायत भौरी के हितग्राही श्री नरेंद्र नामदेव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ये नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आवास प्रदान किया। पति पत्नी दोनों को चश्मा आ गया भाई, इतना कैसे जल्दी जल्दी चश्मा आ गया। हम सिलाई का काम करते हैं महोदय, इसलिए हमें चश्मा लग गया। अच्छा अच्छा, सुई धागे के कारण हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें बचपन में आंखों की कसरत के लिए दादी माँ घर में कहती थी, चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आंखें चश्मा आ गया। जी श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री, तो आज आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। जी श्रीमान महोदय। तो ये कलर किसने बनाया, मकान का कलर किसने तय किया? आपने तय किया कि आपकी पत्नी ने तय किया? नहीं, ये हमारी धर्मपत्नी ने तय किया श्रीमान महोदय। अच्छा, उन्हीं की चलती है जी, ये पेंटिंग भी उन्हीं की बनाई है। अच्छा वाह। अच्छा, परिवार में आस पड़ोस और रिश्ते नाते में इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है, सबका कैसा माहौल है? आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है। आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कच्चा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। माननीय 24 दिन के बाद मेरे क्या हुआ था? कच्चे मकान में श्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। 24 दिन के अंतराल में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा श्रीमान महोदय। कुछ समय के बाद शासन के संबल से मुझे संवरने का अवसर मिला। आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। माननीय महोदय, मैं सिलाई का काम जानता हूँ, कुछ जमीन का भी टुकड़ा है मेरे पास, एक भैंस भी रखता हूँ। माननीय महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, चाहे वो 370 हो या 3 तलाक हो या आवास के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो। तो नरेंद्र जी क्या चुनाव उनाव लड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, मैं आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, जो मैं समझ सकता हूँ, वही को मैं बखान कर रहा हूँ। अदिति जी ने सुन लिया है सारा? नहीं सर, सुनने की बात नहीं है, ये कहने की बात है सर। मेरी पद और मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है माननीय, मेरी धर्मपत्नी से भी जरूर बात करेंगे आप। जरूर जरूर बताइए, क्या सुनना है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले हमें माताओं के आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। और इसलिए आपने सही कहा, आपके पति जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हर माता का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपने मेरे को गैस उज्ज्वला के साथ गैस दी है, मेरे को किचन बना है, मेरे को शौचालय भी दिया। मेरा आग्रह है, आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा, मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पुएर खाए और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दें। हमें धन्य धन्य आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर, और मुझे मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और ये मौका मेरे नसीब में आ जाए, मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा। हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा शायद मुझे माननीय महोदय जो मुझे गम प्रकृति ने दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो गम बड़ा था, आज मुझे खुशी बड़ी है। वाह, मुझे बताया गया है कि इस घर के स्वीकृति पत्र में आपकी पत्नी का भी नाम है और आपका भी नाम। जी महोदय। तो ये कभी मन में नहीं हुआ कि ये पत्नी के नाम पे मकान चला जाएगा तो क्या होगा? नहीं श्रीमान, मेरे साथ पूर्ण सहयोग रहता है। अच्छा चलिए, अच्छा है। इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारी बहनों का सशक्तिकरण भी है। अच्छा ये बताइए कि आप
जो कामकाज करते हैं जी, अब पहले घर की तुलना में जी इस नए घर में जी आने के कारण जी आपका जो खुद का कारोबार है जी उसमें क्या बदलाव है? जी मैंने आजीविका मिशन से जो समूह का गठन किया उससे मैंने सिलाई का प्रशिक्षण भी लिया है। आज मेरा कारोबार बढ़िया, मेरे दाल रोटी चल रही है उस माध्यम से। तो कितनी वहाँ कितने लोग हैं जो आपके कपड़े बनवाने आते हैं, किस प्रकार के कपड़े? पहले मैं गांव का कपड़ा बनाता था वैसे कस्टमरों का, आज मैं अपने गांव के बच्चों को अपने बच्चे मानकर गणवेश सिलाई का काम कर रहा हूँ महोदय। अच्छा, उनके गणवेश बनाते हो? जी महोदय। वाह, चलिए फिर तो ये बच्चे जब पढ़कर लिख करके बड़े होंगे तो उनको भी उनका अपना जो बचपन की फोटो देखेंगे तो आपकी याद आएगी। मेरी पत्नी भी सिलाई का काम करती है मेरे महोदय। अरे वाह, एक दिन में कितने बना लेते हैं? एक दिन में अभी तो 8-10 कपड़े बनाते हैं सर, धीरे धीरे मैंने। तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या? जी, आजीविका मिशन के तहत जिला पंचायत में श्रीमान महोदय। अच्छा, कितने दिन गए उस ट्रेनिंग में? 8 दिन ट्रेनिंग ली, चूंकि मैं इस काम को जानता हूँ, मेरा ये पैतृक काम है सर। चलिए नरेंद्र जी और अनिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीविका मिशन से रोजगार का अवसर दोनों का लाभ मिला है। जी जी, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का यही लक्ष्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुंचे जी, ताकि हमारा गांव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बने जी। नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम भी आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की प्रतीक्षा पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है, मेरा उनसे अनुरोध। अभी मुझे कुछ लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर मिला, आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का